गर्मी की धमक शुरू हो चुकी है, धूप जनहित बीमारियों का प्रकोप भी शुरू हो गया है। ऐसे में बच्चों के लिए सबसे घातक बीमारी एईस यानी चमकी बुखार का समय भी आ गया है। इसके बचाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर पहल शुरू हो गई है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर लालगंज प्रखंड कार्यालय सभागार में बैठक की गई है। इसमें रेफरल अस्पताल लालगंज के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नवीन कुमार ने चमकी बुखार के लक्षण से लोगों को अवगत कराया। बताया गया कि इसमें तेज बुखार सबसे पहले होता है, शरीर में अकड़न होना, बच्चे का सुस्त हो जाना या बेहोश होना आदि प्रमुख लक्षण हैं, जिसकी पहचान कर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या किसी डॉक्टर से एक बार संपर्क करें। आपको बता दें कि इस जागरूकता बैठक को लेकर लालगंज प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी शामिल होना था, मगर उनकी संख्या काफी दिखी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक को लेकर पूर्व सूचना के प्रसार में कमी या फिर कटनी का समय होने के कारण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति कम थी। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी नीलम कुमारी, प्रखंड प्रमुख सुधा देवी, जितेंद्र राय, मुखिया गणेश राय, सुधांशु कुमार, उमा शंकर पासवान, बबलू राय, लोकनाथ राय समेत कई लोग शामिल थे। हम विषय पर ये बैठक हो रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता दिख रही है, काफी कम संख्या है, क्या कहेंगे उन जनप्रतिनिधियों को आप लोग? जनप्रतिनिधियों के नहीं आए हैं तो हम जानकारी दे देंगे लालगंज से सभी प्रखंडों में चमकी बुखार से बच्चा स्वस्थ हो जाए, बुखार है बच्चा को, हार्ट अटैक हो जाए, इसी के लिए हमारे चिकित्सा प्रभारी नवीन जी ने जानकारी दिए हैं। ऐसा बच्चा लालगंज क्षेत्र में हो तो ये गाड़ी का भी सुविधा दिए हैं कि अपना गाड़ी से आए, हम यहाँ गाड़ी पर पैसा देंगे। उपस्थिति बहुत कम है, हाँ, इसको बढ़ाने के लिए ताकि घर घर ये जानकारी पहुँच सके, कैसे संभव हो पाएगा? वो लोग तो आना चाहिए, ये भी जरूरी है बच्चा के लिए, प्रखंड में है बच्चा के जो भी जानकारी हमें मिल रहा है तो बच्चा के लिए ही मिल रहा है, लोग के आना चाहिए। आप चाहेंगे कि फिर दोबारा एक बैठक हो जिसमें सबकी उपस्थिति? हम दोबारा बैठक करेंगे, इसमें सभी की उपस्थिति होगी। ये सभी लोगों को जो है इस सब विषय पे तो अभी जो जागरूकता अभियान था आना चाहिए था, बाकी कुछ लोगों को जिस तरह से सूचना जो इन्फॉर्मेशन है उसमें वेरी गैपिंग है, और अभी भी हमारी बात है इस तरह की जो गैपिंग को दूर करना है, सभी लोगों को सब समय सूचना मिले और सभी लोग आए, सभी लोगों से आग्रह है। क्योंकि आज चमकी बुखार जैसे विषय पर था जो पिछले वर्ष वैशाली जिला में लालगंज प्रखंड में भी दो केस मिला था, इसलिए हम लोग को सतर्कता होने की जरूरत है, जन जागरूकता की जरूरत है। और जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे आग्रह है कि यदि न भी आए हैं तो आपके चैनल के माध्यम से जरूर जन जागरूकता, चूँकि जिस बच्चे को बुखार हो रहा है एट ए टाइम उसको गीले कपड़ा से तुरंत देह पहुँचवाने का काम करेंगे, उनको PSC पहुँचवाने का काम करेंगे, उनको पैरासीटामोल, और रात्रि में सभी माता पिता से आग्रह करेंगे। आप लोग क्या चाहेंगे कि एक बैठक फिर हो जिसमें उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल, सभी लोगों का एक उपस्थिति होगी और बैठक होगा, और बैठक के लिए भी बात हुई है प्रांत चिकित्सा पदाधिकारी की, और सभी लोगों तक सूचना जाए। और चूंकि अभी किसान, चूंकि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है सभी लोग किसान हैं, और किसान का जो भी गेहूं का भी जो पिक सीजन चल रही है गेहूं कटाई का, और मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण कुछ लोग उसमें भी लगे हुए हैं, और आज जहां तक सवाल है कि हमारी जनप्रतिनिधि में सोमी अमावस्या भी एक पर्व है और मैक्सिमम लोग महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है, चूंकि हमारे 21 में 14 जो है हमारी महिलाएं मुखिया है माने मातृशक्ति है, तो उन लोगों का जो त्यौहार होती है तो उसमें भी लगे होंगे। अब फिर भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह है कि जो भी डायरेक्शन है कि वे बच्चे को रात में खाली पेट न सोने दें, मीठा जरूर खिलाए, क्योंकि जो चमकी बुखार वगैरह के लक्षण होता है उसमें शुगर लेवल भी कम होने की बात आ रही है, तो जो भी हो जो भी सतर्कता के लिए बताया जा रहा है उसका लोग पालन करें। चमकी बुखार का सीजन चल रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में यह बैठक का आयोजन किया गया था, इसको लेकर जो भी हम लोग बचाव कर सकते हैं उसकी जानकारी के लिए इस बैठक को बुलाया गया। इसमें माननीय प्रमुख, सभी पंचायतों से मुखिया जी, रेफरल अस्पताल के हमारे डॉक्टर साहब ने तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है इससे बचने के लिए? जैसे कि बच्चों को रात में भूखे पेट नहीं सुलाना है, और उनको बाहर धूप में नहीं जाने देना है, यदि इनकेस फीवर लग जाता है ना बच्चों को, उसका उसको स्पॉज यानी कपड़े की पट्टी ठंडे पानी में भिगा कर उसको पट्टी करना है,
शरीर को पहुंच देना है, इससे 5 से 7 मिनट में फीवर उतर जाएगा। और इस बुखार में शुगर का लेवल कम हो जाता है, तो बच्चों को मीठा सबसे इम्पॉर्टेंट जो AES बीमारी है जिसको हम चमकी बुखार आम भाषा में कहते हैं, एक तो बुखार आना, तेज बुखार आना, दूसरा बच्चा सुस्त हो जाएगा या बेहोश हो जाएगा, और तीसरा चीज़ है कि सीजर आना, जिसको हम लोग कहते हैं कि जैसे मुँह आँख ऊपर कर लेना, देह हाथ कड़ा कर लेना, ये तीनों मेन लक्षण है। तो बचाव के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को आपसे रात में सोने से पहले अच्छे से खाना खिलाएं, मीठा चीज़ जरूर दें ताकि ब्लड में शुगर का लेवल अच्छा रहे। सुबह जब आप उठते हैं बच्चे को उठाएं, देखें सब ठीक है, उसके बाद उसको अच्छे से खाना खिलाने के बाद ही बाहर, चाहे बच्चा स्कूल जाता हो या बच्चा खेलने जा रहा हो, ये सब जरूर बताएं कि धूप से थोड़ा बच्चों को बचना है। और बगीचा वगैरह में बच्चा खेलने जाता है तो वहाँ कोई भी जूठा फल हो इस तरह की चीज़ अवॉइड करना चाहिए, गंदगी से बचना, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना। और यदि आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसा बच्चे में से कोई भी इस तरह का लक्षण होता है तो उसको PHC तुरंत रेफर करें। इसलिए सरकार ने व्यवस्था किया है कि जो भी वाहन से आएंगे उसका पैसा सरकार देगी, भाड़ा जो लगेगा, तो जितना जल्दी हो सके बच्चे को रेफर करें। और जब तक आपके पास रेफर नहीं होता है बच्चा, तो उसको बच्चे ठंडे जगह पर लेटाएँ, गमछा भिगा के पूरा सर से पैर तक उसका स्पॉन्जिंग करें और उसको खुले जगह में रखें और एक करवट कर दें। बच्चा यदि बेहोशी की हालत में है तो एक करवट कर दें ताकि मुंह में यदि कोई भी सिक्रेशन होगा तो निकल जाएगा, उससे उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं है। और बाकी फिर इलाज हम लोग PHC में अपने स्तर पे करेंगे। PHC में इसलिए 2 बेड का अलग से एक वार्ड बनाया गया है जहां ऑक्सीजन, दवा, हर तरह का इलाज का व्यवस्था है। ऐसा कोई भी केसेस आता है जो आपकी जानकारी में हो तो ज़रूर पेशेंट को भेजें, या कहीं उसका प्राइवेट में ही इलाज हो रहा है तो उसकी जानकारी PHC में जरूर दिया जाए ताकि फर्दर हम लोग उसको मदद कर सकें। एक आम धारणा हो गई कि लीची के सीजन में ये खासकर होता है, ऐसा कुछ है क्या? इस तरह की धारणा थी लेकिन अभी तक ऐसा ऑथेंटिक कहीं से कोई रिसर्च नहीं हुआ है कि लीची के कच्चा फल खाने से इस तरह की बात, ऐसी कोई बात नहीं।